सेकंड के लिए एक साथ रोक लीजिए। इसको लेके आओ संदीप। हाँ बिल्कुल, इसे तो हम चाह रहे हैं। बराबर में ले लो दादा, इन्हें बराबर इधर ले लो। मेरा नाम ऐश्वर्य अत्री है। पूरा मामला क्या है ऐश्वर्य जी, थोड़ा जोर से बोलना है ना। मेरा नाम ऐश्वर्य अत्री है, मैं डीजीजीआई गाजियाबाद रीजनल यूनिट में इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। हमें इनपुट मिला था कि ईस्ट दिल्ली में एक गैंग एक सीक्रेट ऑफिस बनाकर मल्टीपल प्लेसेस से ऑपरेट कर रहा है और उनका काम फेक जीएसटी इनवॉइसेस इशू करने का है, जिसके बेसिस पर वो अलग अलग कंपनियों को हेल्प कर रहे हैं टू टेक टू अवेल फ्रॉडुलेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट को जब हमने जांचा, उसको वेरीफाई करने के बाद मल्टीपल प्लेसेस पर रेड की गई ऑन 3rd of October। वहां से काफ़ी एविडेंसेस हमने रिज्यूम किए, काफ़ी कई लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि इस पूरे मामले में करीब 300 करोड़ से ज़्यादा की बिलिंग वैल्यू इन्वॉल्व है, जिसमें कि मोर देन 50 करोड़ का GST इन्वॉल्व है। कितने अरेस्ट हुए और कितनी लाइन आपको मिली इसमें? इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। सो फार अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हो पाई है, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिन्हें आज हम मेरठ CJM कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लेकर आए हैं। आज कितनी बड़ी कंपनी को इन्होंने GST बिल्स बेचे हैं? नहीं, अभी जांच हमारी जारी है, अभी प्रिलिमिनरी फेज में हम अपनी इन्वेस्टिगेशन की वजह से इन फर्दर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल गेट टू नो। क्यों लेके आए इनको? इन्हें कोर्ट के सामने हमने सरेंडर किया है, कल अरेस्ट किया था, तो यहाँ से इनकी जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी। इसमें हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोगों का गैंग जो है वो पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत है और वो फर्जी बिलों का काम में इन्वॉल्व है ये लोग। तो हम लोगों ने इनपुट के हिसाब से इनके प्रीमाइसिस वगैरह को वेरीफाई किया, फिर हमने टीमें बना करके और ADG सर के नेतृत्व में वहाँ पे सर्चेज किए 3 अक्टूबर। उस दौरान हमें काफ़ी सबूत मिले, फेक बिल्स मिले, बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिले, रबर स्टैम्प्स वगैरह मिले, जिसके आधार पे जांच की गई और इन बंदों का बयान दर्ज कराया गया और उसके आधार पे ये निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि इसमें लगभग 300 करोड़ से ऊपर की बिलिंग करी गई है, जिसमें करीब करीब 50 करोड़ से ऊपर का GST इन्वॉल्व है। और ये GST उन लोगों को पास आउट किया गया, उन बिजनेसमैन को पास आउट किया जिन्होंने इसका एक फ्रॉडुलेंट क्रेडिट लेकर के और अपने जो उनकी बिक्री पे जो GST दे बनती थी उसमें एडजस्ट किया। इस तरह से उन्होंने इनपुट स्टेज पे एक अच्छे खासे GST रकम का नुकसान पहुंचाया। सर कितने का नुकसान हुआ और कितने करोड़ का इन्होंने बिलिंग किया? अभी अभी तक के जो प्रारंभिक आंकड़े हैं जो जांच की गई है उसके आधार पे करीब 300 करोड़ से ऊपर की बिलिंग है और लगभग 50 करोड़ से ऊपर का GST। 3 लोगों का अरेस्ट किया है, अभी अभी जाँच जारी है। तो आज मेरठ पेश करने के लिए मेरठ आज पेश करने के लिए है।